तो नमस्कार, थिंक प्लस से हम, मैं सुशील त्रिपाठी, और आज हमारे साथ हमारे बहुत खास मेहमान आशीष रंजन जी बैठे हुए हैं, और हम चर्चा करेंगे कुछ आने वाले उन कार्यक्रमों की जो आधारित होंगे हमारे और प्रोजेक्ट्स पर। तो नमस्कार आशीष जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसा लग रहा है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। अच्छा लग रहा है काफ़ी। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि आगामी जो हमारी पिक्चर रहेगी उसमें कुछ रोल्स निर्धारित किए गए हैं, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो किरदार है मैंने आशीष रंजन जी को ऑफर किया है, और देखते हैं कि उसको लेकर वो कितना ही रोमांचित है। बताना चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, आपने जो कैरेक्टर मुझे दिया है वो काफ़ी इमोशनल है, और मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी आपकी, जो चार लाइन की स्क्रिप्ट आपने दी है, सो मुझे लगा कि काफ़ी नेचुरल और एक मेथड टेक्निक से करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर, और लेट्स सी, एक दो दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा उस कैरेक्टर को अपने अंदर इन्वॉल्व कर। उस किरदार को लेकर कितना आप रोमांचित? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे आपने मुझे बिना लड़की के एक ऐसा रोल दे दिया है। अभी तो ये प्रारंभिक स्तर पे हमने कुछ सोचा आपके बारे में, और जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी, कहानी में थोड़ा सा बदलाव की जो गुंजाइश हमने रखी हुई है उस पर हम निश्चित रूप से काम करेंगे। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप करो, क्योंकि और खासकर मेरे कैरेक्टर को और ज़िंदा करने के लिए अगर कोई लड़की हो सामने जिसको देख करके मेरे को क्यों मिले। इन बातों को मैं निश्चित रूप से अपने की पॉइंट्स में रखूँगा, और बताते चलें कि जो किरदार की जो गंभीरता है, मुझे लगता है कि आशीष भाई बहुत ही उसे परिपक्व तरीके से निभाएंगे। इसी आशा में मिलेंगे अगले कड़ी। धन्यवाद।